स्वामी सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं अपने कि उत्तम त्याग धर्म क्या है भैया, पर पर्यायों का त्याग देना ही उत्तम त्याग है। बस अपनी दृष्टि परिवर्तित होना चाहिए, बस अपना उपयोग परिवर्तित हो। अपन बाहर देखना बंद करें तो बाहर के जो लोग निकल रहे हैं, मान लो भैया बाहर अनेक प्रकार के लोग निकल रहे हैं, लेकिन आप झरोके से बाहर जाकर रहे हो ना, तो आपके घर के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आप ये उदाहरण ही है, ये एक तरीके से आप बाहर के निकलने वाले व्यक्तियों को देख रहे हो तो आपसे कह रहे हैं कि आपके घर में क्या है ये तो देख लो, लेकिन आपको रुचि नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी भैया? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होगा। क्या विश्वास नहीं होगा? घर में भी कोई लोग हैं। उदाहरण है, एक जैसी होता है भैया। और बाहर निकलने वाले, बाहर दृष्टि है तो बाहर नए नए लोग निकल रहे हैं, नई नई पर्याय निकल रही है, नया नया परिणाम निकल रहा है, तो वो नया नया परिणाम ही ऐसा लग रहा है कि भैया यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है, मही पूरा उपयोग लगा हुआ है। और इस जीव से बोलो भैया, देखो भैया ये जो तुम्हें दिख रहा ना ये सब कुछ है, देखो ये पल बदल रहा है, देखो ये देखो पहले भैया कहना पागल निकला था, देखो अब गाड़ी निकलने लगी, देखो अब कोई अच्छा संत निकलने लगा, देखो भैया अब बोला ये ट्रेन निकलने लगी, कहना अब रेलगाड़ी निकलने वो अब बस निकलने लगी, अब मोटर निकलने लगी। वो कहेगा भैया उसकी दृष्टि पर्याय पे ना, वो क्या कहेगा भैया, क्या कहेगा कि देखो भैया निरंतर चल तो रही है ना वो नई नई चीज, मतलब उसे पर्याय की निरंतरता दिख रही है कि भाई एक समय के लिए पर्याय रुकी तो नहीं ना, बाहर जो पर्याय चल रही है वो एक समय के लिए रुकी नहीं ना, अब उस पर्याय में एक समय का भी अंतर नहीं आया। ऐसे उदाहरण लेते हैं, देखो ट्रेन में होते हैं भैया, मान लो एक ट्रेन है 200 बोगी की, अब इंजन से प्रारंभ हुई भैया, अब इंजन से प्रारंभ हुई, अब वो 200 बोगी की ट्रेन निकल रही है, अब सब डब्बे एक जैसे, तो अब जीप क्या कह रहा है भैया, अब वो जब 200 डब्बे की ट्रेन निकल रही है तो जीप कह रहा देखो एक जैसे ही डब्बे तो निकल रहा है ना और निरंतर निकल रहा है, क्या क्या लग रहा है जीप को, क्या लग रहा है, क्या जानने में आ रहा है भैया, देखो नित्य तो है ना, नित्य बराबर तो निकल रही है ना, अंतराय कहां आ रहा, वो चल रही है, देखो बेसिक की बेसिक तो निकल रही है, तो क्या क्या पाना भाषित हो रहा है उसमें, नित्यता भाषित हो रही, सत्यता भाषित हो रही, ये ना है तो देखो दिख रही सामने दिख रही है और निरंतर चल रही है। तो पर्याय दृष्टि जीव को, अब जीव की दृष्टि बहिर्मुख होने के कारण से, पर्याय दृष्टि होने के कारण से जीव को यह क्षणभंगुर पर्याय नित्य भाषित हो रही, नित्य दिख तो रहा है ना, बराबर देख तो रहा है ना, बराबर अनुभव तो कर रहा है ना, लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, त्यागम तिक्त तिक्त पर पड़जे, जब तक तुम इन पर पर्याय की ओर से दृष्टि नहीं हटाओगे, जब तक तुम इस पर पर्याय का त्याग नहीं करोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है भैया, इस पर पर्याय का त्याग ही करना पड़ेगा भैया। देखो अब तारण स्वामी की बात कहते हैं, फिर हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। त्यागम तिक्त तिक्त पर पड़जे, त्याग धर्म क्या है भैया, पर पर्यायों को त्यागना ही त्याग है। भय शल्य शंख बिलियंत स्वयं, जैसे ही आप पर्याय दृष्टि को छोड़ोगे तो भय शल्य शंका अपने आप ही बिला जाएंगी भैया, क्योंकि तो सारे भय कहां है भैया, सारे भय कहां है, सारी शल्य कहां है, सारी शंकाएं कहां है, सारे भय सारी शल्य सारी शंकाएं पर पर्याय को देख रहे हैं तब तक है, और स्वभाव को देखोगे तो सब मिला जाएंगे। दानम, अब देखो पहला कह दियो ना त्याग, आज दो धर्म मनाते अपन, त्याग और दान। देखो कहना त्याग काय का करना है भैया, त्याग काय का करना है, पर पर्याय का, क्योंकि पर पर्याय का त्याग कर दोगे तो भय शल्य शंख बिलियंतु स्वयं। अब दान देखो भैया, दानम भैया पर का पर्याय का त्याग कर दें तो भय शल्य शंका मिट जाएंगे, तो फिर करना क्या है, या दान करना है, काय का दान करना है भैया, दानम तम नंत नंत जिन रमनम, अपने उपयोग में अपने उपयोग को दान कर दो भैया, कहां दान कर दें, दानम तम नंत नंत जिन रमनम,
जो अनंत अनंत चतुष्टय में अपनी आत्मा है और जिन स्वभाव की रमणता में अपने उपयोग को दान दे दो। पहले पर पर्याय को देखने का करो त्याग, इससे भय शल्य शंकाएं अपने आप ही मिला जाएंगी। और फिर दानम तम नंत नंत जिंदमनम, अपने उपयोग को दे दो दान। कहां दे दो भैया दान? अनंत अनंत चतुष्टय की रमणता में। तो तारण स्वामी कह रहा है त्यागम ज्ञान सुई सिद्धि जयम, ऐसा ज्ञान पूर्वक त्याग करोगे, ऐसे ज्ञान पूर्वक त्याग को अपनाओगे तो सुई सिद्धि जयम, तो स्वयं के स्वभाव की सिद्धि जयवंत स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ओव सम खिम रमण सु ममल पयम, ऐसे उत्तम त्याग धर्म में आचरण करने से स्वयं के ममल पद की प्रकटता हो जाएगी। उत्तम त्याग धर्म की जय। अब हम बताते हैं भैया हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ज्ञानम प्रत्याख्यानम, अब सुनो आप, आचार्य कुंद कुंद का वचन है, क्या है? ज्ञानम प्रत्याख्यानम, ज्ञान का नाम ही प्रत्याख्यान है। अर्थात प्रत्याख्यान का मतलब ज्ञानम प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान का मतलब, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। कुंद कुंद देव ने कहा भैया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। भैया बिना ज्ञान के कोई भी त्याग नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद, क्या कह रहे हैं कि आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? त्यागम ज्ञान, जब सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, आत्म ज्ञान प्रकट होगा, स्वभाव का ज्ञान प्रकट होगा तो सुई सिद्धि जयम, तो तुम्हें अपना जयवंत सिद्ध स्वभाव आत्मा अपने स्वानुभव ग्रहण होगा। और भैया जब तुम्हें अपने अंतरात्मा का स्वानुभव ग्रहण होगा तब इस संसार का त्याग हो जाएगा। भैया कोई भी जीव हो, निगोदिया से लेके कोई भी जीव हो, संसार अवस्था में कोई भी जीव हो, वो जीव प्रति समय पर पर्याय का त्याग ही कर रहा है। आपने संसार अवस्था क्यों कहा, आपने मुक्त अवस्था क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुक्त अवस्था में पर पर्याय होती नहीं है, ये ध्यान रखना। आत्मा का ज्ञान का स्वभाव ही त्याग है। प्रत्याख्यानम ज्ञानम प्रत्याख्यानम, ज्ञान का स्वभाव ही त्याग है, ज्ञान का स्वभाव ही त्याग है। जब तक ज्ञान है तब तक त्याग है, अज्ञान का थोड़ी कह रहा है। ये भेद समझना पड़ेगा भाई, अज्ञान का थोड़ी कह रहा है। इंद्रिय विषयों में पाप विषय कसाय में रत जीवों की बात थोड़ी कर रहा है, आत्म अनुभव से रहे जीवों की बात थोड़ी कर रहा है। अज्ञान का स्वभाव, संसारी जीवों का स्वभाव अज्ञान में है, और अज्ञान का स्वभाव क्या है? पर पदार्थों में रत रहना। अज्ञान का स्वभाव क्या है? पर पर्यायों की ओर देखना, इंद्रिय विषय आदि मन वचन काय योग की प्रवृत्ति में रत रहना, ये काय का स्वभाव भैया? अज्ञान। अज्ञान का स्वभाव है पर पर्याय को ग्रहण करना। जब तक जीव इंद्रिय ज्ञान में है, जब तक जीव मन वचन काय में एकत्र करके बैठा है, जब तक जीव का उपयोग परोन्मुख है, पर पुद्गल का आश्रय लग के बैठा है, तब तक उसको काय की उपलब्धि है? अज्ञान की। और जब तक जीव का ज्ञान अज्ञान में है, अर्थात जब तक जीव अज्ञानी है, तब तक वो निरंतर संसार को ग्रहण करने की भावना ही भारा है। पुद्गल परमाणुओं को ही ग्रहण कर रहा है, कसाय भाव को ही ग्रहण कर रहा है, अज्ञान ही संसार है, अज्ञान ही संसार है। अज्ञान क्या कहते हैं भैया? अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान किसे कहते हैं भैया? स्व को ना जानना ही अज्ञान है। एक ही बात है, स्व स्वभाव को ना जानना ही अज्ञान है। अज्ञान मतलब घोर संसार, अज्ञान मतलब घोर अंधकार, अज्ञान मतलब घोर अंधकार, घोर संसार।
भैया हम अज्ञानी हैं या नहीं हैं? हम अज्ञानी हैं या नहीं? हाँ भैया जल्दी बताओ हम अज्ञानी हैं या नहीं? हाँ परमात्मा जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं है आत्म अनुभव नहीं है हम ज्ञानी नहीं है। और यदि आत्मदृष्टि है स्वभाव की स्वीकारता है तत्व दृष्टि है तो ज्ञानी है। यदि आपकी तत्व दृष्टि है तो आप आत्मज्ञानी हो भैया। आत्मज्ञान ही ज्ञान है से समस्त अज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है भैया। सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही मात्र ज्ञान है। बाकी जितना जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है भैया। वो सब अज्ञानता है, वो सब अज्ञान परिवेश है भैया। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं त्याग ज्ञान सुई सिद्धि जयम। आत्मा तो प्रति समय पर पर्याय का त्याग कर रही है। आप निबोध में रहो या दुनिया की कोई से भी कोने में रहो, आप जहां भी रहोगे तो आत्मा हमेशा कर्मों का त्याग कर रही है। लेकिन अज्ञान दृष्टि होने से, अज्ञान भाव होने से निरंतर कर्मों का आश्रय भी हो रहा है। देखो कितना अच्छा संयोग है हो रहे हैं। उदय में आके हर कर्म हर पल हर समय कर्म छे। यदि अपन आत्म अनुभवी जीव है, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसे चैतन्य में आत्मा का अपने का अनुभव है तो आ रहे हैं कितने? चार। और छह हो रहे हैं कितने? दस। ऐसा जीव मोक्ष जाता नहीं है। जिसके कर्म आते कम है और जाते ज्यादा है वो जीव मोक्ष हो जाता है भाई। वो मोक्ष चला जाता है। और जिसके ज्यादा आते हैं और जाते कम हैं वो संसार में रहता है। एक सिद्धांत को सिद्ध करो भैया। सिद्धांत तो ये कहता है कि त्यागम तिक्त तिक्त पर पर्याय, कि ज्ञान का स्वभाव तो पर पर्यायों को छोड़ नहीं पाता भी। हर उत्तम त्याग धर्म तो पर पर्याय के त्याग करने से है। उत्तम त्याग धर्म तो पर पर्याय से दृष्टि हटने से है। उत्तम त्याग धर्म तो पर पर्याय पर वस्तु को ना देखने से है भैया। यदि अपन यहां आके भाई 1,000 रुपए का त्याग कर दिया, हमने 1 रुपए का दान दे दिया या हमने 1 करोड़ का दान दे दिया, यदि हमारी दृष्टि हमने भैया आज त्याग कर दिया काय का, आज भैया हमने आज के लिए हमने क्या त्याग करा, कौन कौन ने क्या क्या त्याग का नियम लिया भाई, आज हमने एक टाइम भोजन का त्याग कर दिया, हमने आज 1 जोड़ी कपड़े का त्याग कर दिया। यदि त्याग के नाम पे भी अपनी दृष्टि मात्र पर पर्याय पे ही है, त्याग के नाम पे भी यदि अपनी दृष्टि यदि पर पर्याय पे ही है, पर परिणमन पे ही है, पर के त्याग को ही अपन त्याग मान रहे हैं, तो भैया आज तक अपन ने उत्तम त्याग धर्म को नहीं जाना। जो त्याग आत्मा से होता है उस त्याग को त्याग कहते हैं भैया। आत्मा ने कभी कपड़े पहने ही नहीं तो कपड़ों का त्याग त्याग है ही नहीं। आत्मा ने कभी भोजन करे ही नहीं तो भोजन का त्याग त्याग है ही नहीं। आत्मा ने कभी घरपुत्र परिवार को ग्रहण किया ही नहीं तो भोजन घरपुत्र परिवार का त्याग त्याग है ही नहीं। जो ग्रहण नहीं किया उसका त्याग कैसे करो बता भगवान। जो ग्रहण नहीं किया उसको कैसे छोड़ोगे? तो भैया फिर त्याग काहे का है? त्याग काहे का भैया? फिर भैया त्याग है काहे का? आपने ग्रहण किया है मिथ्या मान्यता को, आपने ग्रहण किया है अज्ञान को, आपने ग्रहण किया है मिथ्या श्रद्धान को। तो भैया आपका जो त्याग होगा वो मिथ्या मान्यता ही का त्याग होगा, आपका जो त्याग होगा वो अज्ञान को ज्ञान का ही त्याग होगा।
आपका शरीर का त्याग नहीं होगा। आपने शरीर को जो अपना माना है उस अपनत्व का त्याग होगा। तो त्यागम दिक्त दिक्त पर परजे, त्याग दिया पर पर्याय को मैंने त्याग दिया। भैया बिना छोड़े सब छूट जाएगा, समझ में आ रही है भैया? आत्मा कभी पर को ग्रहण करता ही नहीं, आत्मा ने कभी पर को कभी ग्रहण किया नहीं, आत्मा कभी पर को ग्रहण कर सकता नहीं। तो आत्मा को कभी पर को छोड़ने की विकल्प तो है ही नहीं भाई। जो ग्रहण नहीं करता उसे छोड़ने का विकल्प भी नहीं। भैया ये ज्ञान कब होता है, ये जीव कब जानता है ये सब? जब जीव जिनेन भगवान की वाणी को ग्रहण करता है, जब जीव भगवान के वचनों को अंगीकार करता है, जब ये सब बातें जीव को जानने में आती है कि वास्तव में आत्मा तो आग्राही तत्व है। आग्राही तत्व मतलब कभी कुछ ना ग्रहण करने वाला, वो अपने में परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा अपनी स्वसत्ता से सिद्ध है। जब ऐसा आत्मज्ञान प्रकट होता है तो तारण स्वामी कहते हैं त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय। अब इस भव्य जीव ने घर में रहते हुए संयोग के बीच में रहते हुए त्यागम तिक्त तिक्त पर उत्तम त्याग धर्म को प्रकट कर लिया। अर्थात मिथ्यात सम्यक मिथ्यात का त्याग कर दिया, राग देश चारित्र मोहिनी कसाय का त्याग कर दिया, पर पर्याय को छोड़ दिया और अपने स्वभाव को अपना दिया। अब क्या होगा? भे सल संक बिलियंतु स्वयं, भे सल संकाएं स्वयं मिला जाएंगी भाई। अब भैया जिसने पर पर्याय का त्याग कर दिया है वो क्या करेगा? दान करेगा भैया। काय का दान करेगा? तम दान नंत नंत जिन रमनम। अब उसका उपयोग अपने अनंत चतुष्टय में रमणता करेगा भैया। गुरु महाराज कह रहे हैं त्याग ज्ञान, उसने अब अपने आत्मज्ञान से समस्त पर पदार्थों का त्याग कर दिया है। अब क्या होगा भैया? सुई सिद्धि जयम, उसका स्वयं का सिद्ध जो स्वभाव है ना, वो सिद्ध स्वभाव स्वानुभूति में जयवंत हो जाएगा। सिद्ध स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। किसको? किसको हो जाएगी? है अदावे किसको होगी? किसको होगी? पड़ोसी को। किसको होगी भैया सिद्ध स्वभाव की अनुभूति? कौन अपने सिद्ध पद को प्रकट करेगा? कौन को होगा सिद्ध स्वभाव का अनुभव? हाँ भैया सुन लो, राणम सूत्र भी याद नहीं रहता, हर कुछ ना कहो भैया। राणम प्रत्यखाणम क्या है? एक बार अटक गए ना तो अटक गए भैया। जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा, उसी को प्रत्यख्यान होगा भैया। उसी का संसार छूटेगा, उसी की पर पर्याय रूप अवस्थाएं छूटेंगी, उसी की विकल्प रूप अवस्थाएं छूटेंगी। भैया जिसे आत्मज्ञान नहीं होगा उससे एक सुई का धागा भी छूटने वाला नहीं है। ये सिद्धांत है भैया। आत्मज्ञान के बिना संसार को छोड़ा नहीं जा सकता, आत्म अनुभव के बिना संसार से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भैया जब तक आपको अपना स्वभाव स्वीकार नहीं है, अपना स्वयं का वितराग तत्व स्वीकार नहीं है, तब तक आप एक कंकड़ भी नहीं छोड़ सकते भाई। अनंत संसार का मोह है अपने। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कहते हैं भैया त्यागना है तो अज्ञान को त्याग दो, त्यागना है तो मिथ्यात को त्याग दो, त्यागना है तो मोह को त्याग दो, त्यागना है तो कर्तव्य को त्याग दो, त्यागना है तो भैया पर भाव को त्याग दो। क्यों? क्योंकि पर भाव के त्यागते ही भय सल संक बिलियंतु स्वयं, भय सल संकाएं स्वयं मिला जाएंगी भैया। देखो भैया, लेकिन अपने को ऐसा त्याग करने की रुचि नहीं है। हम क्या कह रहे हैं?
अपने को यह त्याग करने की रुचि नहीं है कि अपन मिथ्यात को त्याग दें, ये रुचि नहीं है। मिथ्या मान्यताओं को त्याग दें ये रुचि नहीं है। अपन अज्ञान को त्याग दें अपने को ये रुचि नहीं है। अपन मोह को त्याग दें अपने को ये रुचि नहीं है। अपन पानी छोड़ दें भैया रात में पीना, ये रुचि तो है। अपन भोजन करना छोड़ दें, एक टाइम भोजन करने लगे, ये रुचि तो है। अपन 50 का जोड़ी कपड़े पहनते हैं तो भैया अब पॉल्यूशन चल रहा है तो 5 जोड़ी पहनेंगे, ये रुचि तो है भैया, ये रुचि तो है अपने को। लेकिन भैया अपने को ये रुचि नहीं है कि भैया अज्ञान को त्यागना है, और अज्ञान को त्यागने के लिए स्व आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अपने को ये रुचि नहीं है भैया कि अपने को मिथ्यात को त्यागना है, क्योंकि मिथ्यात को त्यागने के लिए जिनेन्द्र भगवान की शरण में आके निरंतर वीतराग तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा, आत्मचिंतन और मनन करना पड़ेगा। पता भैया मिथ्यात को त्यागने की रुचि है। अंतरंग परिग्रह के नाम याद है आपको? अंतरंग बाहरी बहिरंग नहीं, कु भाजन आदि नहीं, कु भाजन अर्थात वस्त्र घर मकान दुकान क्षेत्र वो नहीं, अंतर परिग्रह नाम याद है? हाँ, 3 मिथ्यात, 4 कसाय, 3 वेद, रति आरती जुगुप्सा आदि भय, ये आत्मा के अंतर परिग्रह हैं। इनके कारण से ये जीव आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में निरंतर परिभ्रमण कर रहा है। ये त्यागना है तो बाहर वाले बाद में छूटेंगे, पहले मिथ्यात रूपी परिग्रह का त्याग करने की भावना तो करो भैया। अभ्यंतर परिग्रह, अज्ञान मिथ्यात को, राग देश की प्रवृत्ति को, हास आरती आरती 3 वेद इनका त्याग तो करो। वेद को त्यागो तो भैया, भाव वेद को त्यागो तो, इन वेदों से परे, इन भाव वेद से परे अपने निर्वेद, अभी अपन पढ़ता वेदी का अग्र स्थिर चेहर वेदतम निर्ग्रंथम धर्म, अपने आत्मरूपी वेद का वेदन तो करो। जब इन 3 वेदों के वेदन से छूट पाओ, मैं तो पुरुष हूं, बाहर पर्याय से भी पुरुष हूं और भाव से भी पुरुष, भाव वेद से पुरुष का वेदन। भैया ऐसे पुरुष भी हो सकते हैं जो पुरुष हो लेकिन जिन्हें भाव वेदन स्त्री का, ऐसे पुरुष भी हो सकते हैं जो हो पुरुष लेकिन भाव वेदन नपुंसक वेद का, वेदन कोई सा भी हो सकता है। द्रव वेद अलग हो सकता है और भाव वेद अलग हो सकता है, दोनों में असमानता है, दोनों में असमानता देखी जाती है। अब ये बताओ भगवान आदमी, क्या अपन ने इन 3 वेदों को, 4 कसाय को अर्थात मिथ्यात को, इनको कभी छोड़ने की भावना करी अंदर से? यदि आपने प्रवचन सुना भैया रात्रि भोजन करके ना छठा काल में जन्म लेना है, रात्रि भोजन करना नरक में जन्म लेना है, सुनते से ही रात्रि भोजन को छोड़ने की भावना आ गई। भैया आपको कभी ये भावना आई कि मिथ्यात मतलब अनंत घोर संसार, मिथ्यात मतलब अनंत घोर संसार, मिथ्या देव अदेव की श्रद्धा मतलब अनंत घोर संसार, अदेव को देव की श्रद्धा मतलब अनंत घोर संसार, द्रवलिंगियों की सेवा मतलब अनंत घोर संसार, कभी ये भावना आई? भैया यदि मिथ्यात का त्याग नहीं किया, मिथ्यात रूपी परिग्रह को नहीं छोड़ा, तो हमारा ये आत्मा अनंत अनंत काल तक इस चतुर्गति संसार में जन्म मरण करेगा। कभी मिथ्यात परिग्रह को छोड़ने की भावना है? बताओ भगवान जी, अभी हम आपसे त्याग करने का है ना भैया, आज सबको एक नियम लेना है, सब कर लेंगे भैया, सब ले लेंगे, एक नियम तो कोई भी ले लेगा भैया। यदि थोड़ी सी भाव जगाए जाए, कहा जाए भाई आज सबको एक नियम लेना है कि आज रोटी किसी को नहीं खाना, आज सबको अपना पेट चावल से भरना है, सब ले लेंगे भैया, सरल है, बहुत सरल है। हाँ सब बचेगा,
अब बचेगा नहीं बचेगा वो विकल्प अपन बाद में करेंगे, लेकिन नियम सब ले लेंगे भैया। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, ठीक है आज एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो काम चल जाएगा। आज तो और अच्छा है, आज रोटी नहीं आज तो हलवा बनेगा। अब भैया जी ने नियम दिलाया है तो अब तो बनना तो हलवा ही है, सब ले लेंगे भैया, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यदि हम ये कहें भैया मिथ्यात का त्याग करना है, हम नियम लो भैया कि आज से हमारा समस्त प्रकारों के मिथ्यात का सर्वथा त्याग, अब लेके बता भैया। अब निमंत्रण आता है व्यवहार है तो जाना पड़ता है। अब भैया समाज में रहना है सबसे मिलजुल के चलना है तो करना पड़ता है। अरे भैया क्या करें, संसार में रह रहे हैं सब ही करना पड़ रहा है। अब छोड़ के बताओ भैया मिथ्यात का त्याग करके बताओ संसार का मूल क्या है, संसार का मूल क्या है, संसार को त्यागना उत्तम त्याग धर्म को अपनाना। अब तो मना करने लगे लोग ऐसे ऐसे कहने लगे नहीं अपनाना भैया उत्तम त्याग धर्म हमें चाहिए ही नहीं। केला क्यों नहीं चाहिए भैया, क्योंकि उत्तम त्याग धर्म तो पूरे संसार का त्याग करवा रहा है। आपने पर पर्याय का त्याग करा दिया, मिथ्यात का त्याग करा दिया तो संसार में हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, हम तो खाली हो जाएंगे। भैया जी मिथ्यात का त्याग नहीं करना चाहता, जीव अज्ञान का त्याग नहीं करना चाहता, जो मूल है उसे नहीं छोड़ना चाहता। उससे बोल दो भैया चाय छोड़ दो छोड़ देगा, दूध छोड़ दो छोड़ देगा, पानी छोड़ दो छोड़ देगा, एक दिन के लिए छोड़ना है कल फिर पीने लगेंगे। लेकिन इससे कहो मिथ्यात छोड़ दो तो नहीं छोड़ेगा, मालूम क्यों नहीं छोड़ेगा, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ेगा, अरे एक समय के लिए भी नहीं छोड़ेगा। यदि एक समय के लिए भी एक बार मिथ्यात छूट गया तो फिर इसे मोक्ष जाए बिना कोई रोकने वाला नहीं। मिथ्यात को एक समय के लिए भी नहीं छोड़ेगा भैया, यदि इससे भोजन छोड़वाओ तो एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ देगा भाई, पानी छोड़वाओ तो भी एक दो दिन के लिए 3 दिन के लिए भी छोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। भैया लेकिन मिथ्या छोड़वाओ तो, मिथ्या छोड़वाओ तो एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि एक सेकंड के लिए भी पर पर्याय की ओर से दृष्टि पलट के अपने अंतर आत्मा का दर्शन कर ले तो अनंत अनंत काल के लिए आत्मा मुक्त हो जाए भैया, एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के लिए। लेकिन भैया जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ रहा, और जो जो अपना है ही नहीं उन्हें छोड़ने के लिए पागल बना हुआ है भाई। और क्यों छोड़ रहा उन्हें भी, उन्हें भी छोड़ने के पीछे स्वार्थ है कि भैया आज यदि एक टाइम खाएंगे तो पुण्य का उदय बढ़ेगा, और देवगति में ऐसा अपने को ही करने है ना, आगे के दरवाजे से छोड़ रहा है और पीछे के दरवाजे से, इसे कहते हैं राम राम जपना, मंदिर में बैठा है तो राम राम जपता है और भैया पीछे पता नहीं पीछे एक दरवाजा खुला हुआ है पर आया माल अपना, पीछे का दरवाजा खुला हुआ भैया, आगे से राम 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 जप रहा है और पीछे से मरा 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 मरा। ये संसार की रीत है भैया, संसारी जीव इसी त्याग को जानते हैं, संसारी जीव इसी त्याग को जानते हैं, जो मन वचन की क्रिया रूप अशुद्ध त्याग है उसी को जानते हैं। लेकिन ज्ञानी जानता भैया, ज्ञानी जानता है कि प्रत्याख्यान ज्ञान पूर्वक ही त्याग होता है भैया, आत्मज्ञान होगा तभी पूरे संसार का त्याग हो पाएगा। आपको ये बातें अटपटी जरूर लगती होंगी भैया, लेकिन सत्य तो यही है।
आपको ये बातें बातें थोड़ी अटपटी जरूर लगती होंगी अपने जीवन में, लेकिन भैया सच्चा त्याग तो यही है। त्याग हो आज त्याग धर्म में, भैया कौन कौन त्याग धर्म में त्याग करेगा बताओ? आज त्याग करोगे नहीं करोगे? त्याग और दान दो चीजें हैं आज, एक त्याग होता है एक दान होता है। त्याग और दान में क्या अंतर है चलिए बताओ। हाँ सरल भाषा में बताओ दान और त्याग में क्या अंतर है जल्दी? बहुत बढ़िया, बुरी चीज का पर पर्याय का त्याग किया जाता है और स्ववस्तु को अच्छी वस्तु को उचित पात्र वस्तु को दान दिया जाता है, बुराई का त्याग किया जाता है। तो पर पर्याय को देखना बुरा है तो बुराई का किया जाता है त्याग, पर्याय दृष्टि बुरी है अनिष्ट है, पर्याय दृष्टि का किया जाता है त्याग और दान दिया जाता है अच्छी वस्तु का। उपयोग शुद्ध है ज्ञान में है आनंद में है, उपयोग का किया जाता है दान अपने स्वभाव में, स्वभाव अपनी वस्तु का किया जाता है दान, अपने उपयोग को दिया जाता है तत्व चिंतन के लिए दान, तत्व मनन के लिए दान, आत्म अनुभव के लिए दान, अपने स्वभाव के लिए दान, अपने उपयोग का किया जाता है दान, वह परपराय का किया जाता है त्याग। अब बताओ भैया आज कौन कौन त्याग करने के मुड़ से और दान देने के भाव से आया जल्दी बता दे जल्दी। कौन कौन मन मनाता है घर से ही कि आज उत्तम त्याग धर्म है भैया, आज तो त्याग करेंगे कुछ ना कुछ त्याग करेंगे भैया, आज तो दान देके आएंगे, कौन कौन मन मना के आया चलिए बता। बिना मन मनाए आ गए क्या भैया? परंपरा नहीं है कि त्याग की और दान की नहीं है ये परंपरा? हाँ माया कहां से अच्छी वस्तु हो जाएगी भैया? आहार औषधि अभय ज्ञान चार ही दान है, पांचवा पैसे का दान को अर्थ के रूप में आगम में तो नहीं कहा लेकिन आजकल अर्थ से सारी व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए धन को दान कह दिया गया उपचार से। दान तो चार ही है, उपचार से है धन, वो भी यदि विवेक पूर्ण स्थान पे दिया जाए तो, यदि हर कहीं दे दिया जाए तो दुर्गति का कारण है। पात्र बोल रहे उचित स्थान पे दिया जाए पात्र को दिया जाए तो कार्यकारी, नहीं तो निगोद का कारण है भैया। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमारी बात को आप गौण मत करो, हमारी मेन बात को गौण मत करो आप, कि आप आज कौन कौन मन बना के आए हैं कि हमें दान देना है और त्याग करना है, कौन कौन मन बना के आए? कोई मन बना के नहीं आया, बहुत बुरी स्थिति है भैया। बहुत बुरी स्थिति है कि आज दस लक्षण में पर्यूषण पर में उत्तम त्याग का दिन हो और जेनी दान देने की भावना लेके ना आए हो, त्याग करने की भावना लेके ना आए हो, ये तो भैया बहुत बुरा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान आत्मा यदि मन बना के नहीं आए तो आज मन बना लो, आज शाम को अपन त्याग और दान की परंपरा चालू करें, सम्यक त्याग और सम्यक ध्यान दान की परंपरा प्रारंभ करें भैया। हर पर्याय के त्याग से शुरुआत करें कि आज से मिथ्या मोह राग आदि का त्याग और शुद्ध भाव के दान से शुरुआत करें कि मैं आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा ही हूँ, मुझे भगवान के वचन अंतर हृदय से स्वीकार है, भगवान की वाणी मुझे स्वीकार है,
आज से मेरे उपयोग का दान मेरी निश्चेतना के लिए, आज से मैंने अपने उपयोग को अपने लिए दे दिया, आज से मैंने पर का त्याग कर दिया, मैंने आज से बुराई का त्याग कर दिया और अच्छाई को ग्रहण कर लिया। भाई भगवान यही त्याग है, यही सच्चा त्याग है, यही सच्चा दान है। और जिस दिन ये निश्चय दान निश्चय त्याग होता है उस दिन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक ये निश्चय त्याग नहीं होता, निश्चय दान नहीं होता, जब तक ये जीव चार गति 84 लाख की योनियों में भटकता है। इतनी सी तो बात है भगवान आत्मा, इतना सही तो सिद्धांत है, इतना सही तो सिद्धांत है कि एक बार तुम अपने स्वभाव को ग्रहण करो तो बाकी सब अपने आप ही छूट जाए। देखो भैया आज तो 5 मिनट बचे हैं, सुबह का टाइम तो इतना ही बचा है, लेकिन शाम को विशेष तौर से त्याग और दान की चर्चा करेंगे भाई। लेकिन बाहर वाली नहीं भैया, अंदर वाली। त्याग करने की बात होगी लेकिन मिथ्या के त्याग करने की बात होगी। आचार्य करण स्वामी त्याग करने के लिए कहेंगे त्यागम तिक्त तिक्त पर पड़जे, लेकिन पर पर्याय का त्याग करने के लिए कहेंगे भैया। भैया जो पर पर्याय का त्याग कर देते हैं, जो पर भाव को छोड़ देते हैं, वो ही सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो पर पर्याय का त्याग नहीं कर पाते, वो ही जीव चतुर्गति संसार यात्रा में भटकते हैं। भैया आज के लिए अपन इतना विषय यही छोड़ रहे हैं, गुरु महाराज की गाथा का वांछन करके छोड़ दे रहा है। तो इस विषय को अपन लेंगे शाम को। त्यागम तिक्त तिक्त पर पर्जे, दो बार कह रहे हैं भाई, हे भव्यात्मा त्याग दो, त्याग दो। आज उत्तम त्याग धर्म के दिन त्याग दो। पूछे गुरु महाराज क्या त्याग दें? नहीं पूछना। त्यागम तिक्त तिक्त गुरु महाराज बोल रहे हैं, हे भव्यात्मा त्याग दो, त्याग दो। अब आप पूछोगे नहीं पूछोगे क्या त्याग दें? नहीं पूछोगे। अच्छा आपको पता है, गुरुमा से पूछोगे? गुरुमा से पूछोगे? पूछो जल्दी। गुरुमा कह रहे हैं त्यागम तिक तिक, त्याग दो त्याग दो। तो पूछो क्या त्याग दें? अलग से बोले सबके पास आके पूछो गुरुमा से कि क्या त्याग दें? इतना अहंकार है कि गुरुमा से भी नहीं पूछ सकते। मान कसा इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा अभिमान है, इतना अभिमान बढ़ गया है कि तारण स्वामी से भी नहीं पूछ सकते। इतना ज्यादा अहंकार बढ़ गया। इतना अहंकार अच्छा नहीं है, ये अहंकार पतन करा देगा, दुर्गति में ले जाएगा। एक ही बात है, दीनता भी अहंकार है। दीनता दो की दो पर्याय है, या तो भयभीत रहे दीन रहे, या तो अकड़ जाए। हम क्यों पूछें? तो भी दीन है, तो भी अहंकार है, और अकड़ रहा है तो भी अहंकार। चिटपट दोनों एक ही है, दोनों सिक्के ही हैं। फिर से बोले या नहीं बोले? बोले। चलो भैया त्यागम तिक तिक, आचार्य करण स्वामी कह रहे हैं त्याग दो त्याग दो। पूछ लो क्या त्याग दे गुरु महाराज? अभी भी नहीं बोला है। देखो इसे कहते हैं भयानक मान, वही हमने कल कहा था ना, एक तो गुरबेल ऊपर से नीम चढ़ी, और नीम के साथ यहां तो करेला भी साथ में लटक रहा है। इतना कहने के बाद भी हृदय तस से मस नहीं होती, मान कसाय मान गलाने के लिए जन्म लिया था, इसीलिए भैया इतना मान लेके कहां जाओगे ये बता दो, बस कहां जाओगे? कहां जाओगे इतना मान लेके? मानी की गति निश्चित है नर्क, अगला भाव नर्क और आगे एक इंद्री, दोनों गति निश्चित है उसकी।
मान कसाई की दो ही गति है भैया, अशुभ होती है, याद रखना इन दो में से कहीं जन्म होगा निश्चित। हम क्या करें? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया, फिर ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गला हो शायद। त्यागम तिक्त तिक्त, तारण स्वामी कह रहे हैं त्याग दो त्याग दो। लाख बार समझा लो जैसे के तैसे, इसलिए संसार नहीं छूट रहा। यही यही प्रमाण है भैया, हम तो इतनी आत्मा की बात सुनते हैं, इतनी आत्मा की बात समझते हैं, इतनी प्रवचन सुनते हैं, हमारा संसार क्यों नहीं छूटता? ये देखो लक्षण कितने बार बोल दिया हमने अभी के अभी, चार बार पांच बार, लेकिन आवाज। ये संसार का कारण है, ये अपने अहंकार को बचाना, अपने मान को बचा कर रखना, कोई कितना भी समझा ले लेकिन सत्य को ग्रहण नहीं करना, इसी को कहते हैं अभिमान। और जब तक ये रहता है, जब तक कोई भी जीव संसार से मुक्त नहीं होता। हम तो ट्राई करते रहेंगे भैया, हमारा टाइम 3 मिनट है, जब तक हमारा टाइम नहीं होगा ट्राई करते रहेंगे, हमारा टाइम हो जाएगा ट्राई करना बंद। गुरुमाच के कह रहे हैं त्यागम तेक्त तेक्त, क्या त्याग दे पहले तो बताओ, पूछो तो पहले। गुरुमाच कह रहे हैं त्याग दो त्याग दो। अब ये बात पक्की हो गई है, ये बात निश्चित हो गई है। अब उदाहरण दे, कुत्ते की दुम तब टेढ़ी निकलेगी, सीधी होने वाली नहीं है। आप 12 वर्ष बाद भी निकालोगे तो टेढ़ी निकलेगी, उसे कितना भी समझा लो वो सीधी होने वाली नहीं है। अब हम ही बोल दे रहे हैं भैया, आप मत पूछो, क्योंकि पात्रता बननी नहीं है जीवों की, तो कोई क्या कर सकता है। अब हम बोल के आगे निकल रहे हैं क्योंकि 2 मिनट शेष है। त्यागम तिक्त तिक्त, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं त्याग दो पर पर्यायों को त्याग दो। अब जिसने पूछा होगा वो अपने मन से बोल दो जी गुरु महाराज, तो त्यागने की अनुमोदना हो जाएगी। जिनने बोला था वो बोल दो भैया, क्योंकि उनकी अनुमोदना हो जाएगी, और जिनने नहीं बोला था वो तो निगोदिया जीव है ही। भय शल शंक बिलियंतु सया, भैया ऐसे स्वभाव को स्वीकार करने से भय शल शंकाएं स्वयं बिला जाते हैं। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं दानम हे भव्य आत्मा, दान दो, अशुभ पर्याय को त्यागो और दान दो। गुरु महाराज काय का दान चाहिए आपको, कितने लाख देने? यार लाख नहीं चाहिए, तो क्या देने गुरु महाराज? कह रहे दानम तुम दान दो, क्या दे? नंत नंत जिन रमनम, जो अपना अनंत अनंत चतुष्टय में वीतराग जिन स्वभाव है उसमें रमणता का अपने उपयोग को दान दो भैया। त्याग ज्ञान, इस ज्ञान में त्याग से, ज्ञान में प्रत्याख्यान से, इस ज्ञान में त्याग से सुई सिद्धि जयम, स्वयं का सिद्ध स्वभाव जयवंत हो जाएगा, अनुभूति में आ जाएगा। उब शम खिम रमण सुमल पयम, ऐसे उत्तम क्षमा आदि, उत्तम त्याग आदि स्वभाव में रमण करने से स्वयं के ममल पद की प्राप्ति होती है। ऐसा की जय हो। भगवान जी अगला क्रम ले लो जो भी।